कमर कहाँ है? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गार्ड टीम स्टेशन हाउस पुंछ और DSP मुनी सर का जिन्होंने रिसीव करने में मैं भी अपना फोन इधर रख दूँ फोन दे देते हैं हाँ वो इधर करें उधर जाओ उधर जाओ ये आप ही का फोन है जी जी इधर है पक्का पक्का कहाँ रहते हो आप शाहिद इकबाल सनाफ अब्दुल मजीद कितनी देर हो गई घुमा हुआ क्या करते हो आप स्टूडेंट हो कैसे घूम गया ये कहाँ कॉन्स्टेबल मुदस्सर अहमद 32,000 का मुश्ताक अहमद सना मोहम्मद शफी मोहम्मद तारिक नजारवी मोहम्मद रजाक सना मोहम्मद नसीर को एक पनिशमेंट भी होनी चाहिए जो उठाते हैं कि सपोज आपका मोबाइल कहीं उठा लिया कितनी इंफॉर्मेशन होती है जो इसके अंदर होती हैं और इनको इस मोहम्मद लतीफ पक्का जहांगीर अहमद सना अब्दुल्ला हद 35,000 का टोटल आज अच्छा तो ये कहाँ से मिला महाराष्ट्र से यौज अहमद सना मोहम्मद असलम वेरी गुड करी ना आपकी किस्मत में था तो मिल गया मोहम्मद मुश्ताक आरो सदा शेख 2018 का लिए अच्छा रविंदर को मैं जावेद इकबाल मेरा मोबाइल एक्चुअली 2-3 महीने पहले कहीं बाज़ार में गुम हो गया था तो कल इनका फ़ोन आया यहाँ से सिटी थाने से कि आपका मोबाइल ट्रेस हो गया तो आप कल 10 बजे आके हम अपना मोबाइल ले जाएं हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं SSP साहब का DSP ऑपरेशन साहब का और उनकी पूरी टीम का एक्चुअली मोबाइल की कोई इतना नहीं होता लेकिन इसमें हमारे ज़रूरी डाटा होते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिनकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी होती है तो मेरे साथ और बहुत से लोग हैं जिनका इन्होंने ट्रेस किया हम तहे दिल से पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार तो आपने कंप्लेंट लिखाई नहीं होगा जी हमने यहाँ पे कंप्लेंट की थी तो यहीं पे DSP साहब के पास तो फिर उन्होंने ट्रेस करके हमारे ये मोबाइल हमें वापस लौटाने साइबर सेल है जो SOG पुंछ के अंदर काम करता है इस साइबर सेल का जो मकसद है वो यही है कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी जिस मिसयूज़ है उसको रोकना है इसके साथ साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट जो ट्रैकिंग है वो भी करते हैं और इसी सिलसिले में आज आपने देखा होगा यहाँ 20 मोबाइल जो हैं वो हमने रिकवर करके लोगों के हैंडओवर किए जो उनके जेन्युइन ओनर्स थे ये मोबाइल जो हैं ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या तो लोगों के गुम गए या फिर कहीं गिर गए
या फिर किसी ने चोरी कर ली है, तो कुल मिलाकर के कोई 3.5-4 लाख के मोबाइल्स थे ये सभी मिलाकर के, और कुछ मोबाइल तो हमने महाराष्ट्र से जाकर के रिकवर किए हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छा एफर्ट है पुलिस की तरफ से, और ताकि लोगों को उनके जो मोबाइल्स हैं वो वापस मिल सकें। बट मेरी भी यही गुजारिश रहेगी कि मोबाइल्स को वो ढंग से इस्तेमाल करें, इसको सेफली रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी प्राइवेट डाटा रहता है, कोई पर्सनल डिटेल्स रहती हैं जिसका मिसयूज़ हो सकता है। इन सब से बचने के लिए हम इसका जो सही इस्तेमाल करें और इसकी सेफ्टी के लिए जो भी इकदाम हैं वो लें, और इन केस अगर ये गुम हो जाता है या कहीं चोरी हो जाता है उसकी इतला जो है वो या तो साइबर सेल में दे या फिर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उनमें जा करके इसको बताएँ।